तुम डाल डाल, हम पात पात। तुम गेट पे ताला लगाओगे, हम गेट फांद कर जाएंगे। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। करीब 8 फीट ऊंचे गेट के ऊपर चढ़कर सत्ता को ठेंगा दिखाने वाला ये व्यक्ति कोई पर्वतारोही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। लोग पूछते हैं कि राजनीतिक द्वेष का स्तर कहां तक जा सकता है, तो देख लीजिए, यहां तक गिर सकता है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को गेट पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के रामराज्य वाली सरकार और अखिलेश यादव के इस नए कारनामे पर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव को बेमतलब के मामले में कथित रूप से चिढ़ाने या परेशान करने की कोशिश की गई है। अंग्रेजी में इसे ही डिमोरलाइज करने का प्रयास कहा जाता है। मगर सवाल यह है कि ये सब कुछ करके यूपी सरकार कुछ पा रही है या गंवा रही है। अच्छा, एक और बात, यदि आप सत्ता से सवाल करने वालों में से हैं, सत्ता की पोल खोलने वालों में से हैं, खुलकर अपने विचार रखने वालों में से हैं, तो सावधान हो जाइए और सबसे पहले तो अपने पूर्व जन्म का पता लगाइए। कहीं पूर्व जन्म में भी आपने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया था जिसे असंवैधानिक कहा जा सके, या फिर आप पर कोई आरोप तो नहीं लगा था, क्योंकि कभी भी फाइल खोली जा सकती है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे अरुंधति राय ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर बेहद गंभीर बातें कही थी, और अब फाइल खुल गई है। आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के परम मित्र की मानसिक हालत भी वैसी ही हो गई है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली? यहां मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा हूं, किसी को चोर कहने की कोई मंशा नहीं है। कृपया मानहानि का दावा वगैरह न ठोकें, हम लोग छुच्छा आदमी है भाई, कहां से चुकाएंगे। मगर ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। उधर कुछ नए चुनावी सर्वे आए हैं जो बीजेपी के होश भयंकर तरीके से उड़ा रहे होंगे, अंत में उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बगल में है बजा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ इतने बड़े कार्य किए जिसकी कल्पना भारत के लोगों को तो छोड़ दीजिए दुनिया के लोगों ने भी नहीं की होगी। जैसे कि उन्होंने दुनिया का भूगोल बदल दिया, वो भी अमेरिका जैसी ताकत को आंख दिखाकर, लाल लाल आंख दिखाकर। इसके अलावा दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण भी इन्होंने ही करवाया था। ऐसा भी बताया जाता है कि शायद हजारों सालों के इतिहास में दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सैनिक समर्पण नहीं हुआ था। बाकी इनके कार्यकाल में और भी कई सारे बड़े फैसले हुए जिन्होंने भारत में बहुत सारी चीजों को बदल कर रख दिया। मगर इन सब के बावजूद जब लोगों को दबाने की कोशिश की गई, देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तो इस देश की जनता ने सारे अच्छे कार्यों को भुलाकर इंदिरा सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। यह अलग बात है कि कुछ साल बाद माहौल दोबारा उन्हीं के पक्ष में बन गया, मगर तात्कालिक रूप से लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर तुम हम पर दोबारा गुलामी थोपने की कोशिश करोगे तो हम गुलाम बनकर जीने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप तानाशाही रवैया अपनाएंगी तो वोट की ताकत से आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। हमें अक्सर बहुत सारे बुजुर्ग फोन करते हैं जिन्होंने देश का बंटवारा भी देखा है और इमरजेंसी को भी झेला है, और वे सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि आज जैसा माहौल तैयार किया गया है, ऐसा माहौल न तो 1947 के वक्त था और ना ही इमरजेंसी के वक्त। इमरजेंसी में कम से कम हमें मालूम तो था कि इमरजेंसी लगी हुई है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि बुकर अवार्ड से सम्मानित भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय ने एक कार्यक्रम में कहा था कि आरएसएस जातियों के खेल को सबसे बेहतर तरीके से समझता है और खेलता है। आजकल हमारी सरकार एक देश एक चुनाव एक वोट एक भाषा पर जोर दे रही है, लेकिन एक बनाने के लिए उनका तरीका सभी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, यानी कि सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना है, सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि बाकियों को भी। अरुंधति रॉय ने यह भी कहा था कि आरएसएस भूल भुलैया वाली जाति व्यवस्था को सबसे अच्छे तरीके से समझता है और इस समझ का प्रयोग वो जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए करता है। यानी आरएसएस चाहता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो बनी रहे, और उसे कैसे बनाए रखना है इसके लिए आरएसएस अच्छे तरीके से काम करता है। यहां यह भी कहा गया कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित राजनीति करती हैं, मगर जाति को बनाए रखने का काम आरएसएस करती है। इसके साथ ही अरुंधति रॉय ने यह भी कहा था कि भारत में शायद 90% मुसलमान पसमानदा है। सोचना यह है कि इन्होंने इस्लाम क्यों अपनाया, क्योंकि उन्हें जाति व्यवस्था के तहत दबाया गया था, उनका अनादर किया गया था, और उन गरीब लोगों को जिन्होंने जाति व्यवस्था से राहत पाने के लिए इस्लाम स्वीकार किया था, आज मुगलों की संतान कहा जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आज हम जो भी संघर्ष देख रहे हैं उसका आधार जाति व्यवस्था है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अभी हमारे पास एक देश और एक कंपनी है, मोदी जी और गौतम अडानी। ये तो उनके द्वारा कही गई कुछ दिन पुरानी बात है। इसके अलावा ये वो चेहरे हैं जो अपने विचारों के साथ समझौता ना करके सत्ता से टकराने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन इस दौर में शायद
शायद ही कोई व्यक्ति बचा है जिसने विश्वगुरु टाइप के नेता का नाम परम मित्र के साथ लिया हो और उसके ऊपर कोई आंच ना आई हो। खबर है कि अरुंधति राव के खिलाफ दिल्ली के LG ने 2010 के भाषण के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2010 की FIR के संबंध में लेखक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। इस मामले में इन दोनों पर सार्वजनिक रूप से उत्तेजक भाषण देने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने उस वक्त आरोप लगाया था कि रॉय और हुसैन सहित अन्य लोगों ने 21 अक्टूबर 2010 को आजादी द ओनली वे के बैनर तले राजनीतिक कैदियों की रिहाई समिति द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में उत्तेजक भाषण दिए थे। अब ये पुरानी फाइल किस वजह से खुल रही है, मैं इस पर कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। पिछले दिनों आपने देखा था नई नवेली संसद में पुरानी गालियां भाजपा सांसद रमेश बेधुड़ी बसपा के सांसद दानिश अली को दे रहे थे। बहुत सारे सांसदों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले में विशेषाधिकार समिति की बैठक में बीजेपी सांसद को पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंचे। हालांकि लोग चर्चा यह भी कर रहे हैं कि पहुंच भी जाएंगे तो क्या होगा। गाली देने के बाद तुरंत बीजेपी ने उन्हें राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, चुनावी जिम्मेदारी। बहुत सारे लोगों ने इसे इनाम का नाम दिया, कहने लगे कि ये गाली के बदले इनाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल, जब देश में बलात्कारियों और हत्यारों को इनाम दिया जा सकता है तो गाली देना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा मामला हो गया भाई। अब पहले उत्तर प्रदेश चलिए, इसके बाद बात करेंगे परम मित्र की, हमारे नहीं प्रधानमंत्री जी के। पिछले 10 सालों में लगातार ऐसा देखा गया है कि भाजपा के सरकारों ने, वो केंद्र की हो या राज्य की हो, विपक्षी दलों के नेताओं को नीचा दिखाने, परेशान करने, शुद्ध रूप से कहें तो टॉर्चर करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा है। शायद इसे ही सत्ता के नशे में चूर होना कहते हैं। कुछ साल पहले आपने देखा था अखिलेश यादव संभवतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे मगर एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक दिया गया और रोकने के दौरान जिस तरह से धक्का मुक्की देखने को मिली उस वक्त भी खूब हल्ला मचा था। इसके अलावा अलग अलग मामलों में आए दिन खबर आती है कि अखिलेश यादव को उस जगह जाने से रोक दिया गया, राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोक दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। बाकी CBI ED वाला मामला तो बहुत आम हो चुका है, लोगों को आदत हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे मगर जब वहां पहुंचे तो पता चला कि उस स्थान को किले में तब्दील कर दिया गया है, यानी भारी भरकम पुलिस बल लगा दिया गया था और गेट पर ताला लगा दिया गया था और उसके अलावा गेट के ऊपर टीन शेड वगैरह भी लगा दिया गया था ताकि जबरिया कोई अंदर प्रवेश न कर सके। मगर यह सारा जुगाड़ करने वालों को शायद मालूम नहीं था कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फुटबॉलर भी रहे हैं, यानी फुटबॉल के खिलाड़ी भी हैं। जब उन्हें JP की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया और तमाम तरीके की बहानेबाजी की गई तो अखिलेश यादव जोश में आ गए और गेट के ऊपर चढ़कर परिसर में प्रवेश कर गए, भीतर घुसकर माल्यार्पण किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि अंदर घुसने के बाद भी दोबारा भी गेट नहीं खोला गया और फिर से दोबारा गेट के ऊपर चढ़कर ही बाहर निकलना पड़ा। मगर सवाल यह है कि ये सब कुछ सरकार के अधिकारियों ने होने क्यों दिया। दैनिक भास्कर के अनुसार एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार को ये सूचना दी थी कि माल्यार्पण करने जाएंगे मगर बताया गया कि वहां कुछ कार्य चल रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यदि कोई कार्य चल भी रहा था तो माल्यार्पण करने से कौन सा व्यवधान उत्पन्न हो जाता, और अभी जब गेट कूद कर अखिलेश यादव ने माला पहना ली तो क्या सरकार बताएगी कि माला पहनाने से कार्यों में कौन सी बाधा उत्पन्न हो गई या नुकसान हो गया। वैसे यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, विकास प्राधिकरण को तो ये मालूम ही होगा कि जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि कब है तो कार्यों को समय से पूरा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि दुनिया छोड़कर जा चुके विचारकों और राजनीतिक गुरुओं तथा महान हस्तियों को उनके जन्मदिन के अवसर पर जरूर याद किया जाता है। माल्यार्पण वाला तो कार्यक्रम होता ही है मगर कहा जाता है कि कुर्सी के भीतर कुछ ऐसा नशा होता है कि उस पर बैठने के बाद व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये कुर्सियां परमानेंट नहीं है, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। ये बात कहकर मशहूर शायर राहत इंदौरी जी चले गए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इन सब के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सच ये है कि भाजपा जयप्रकाश के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना बढ़ गया है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या योगी सरकार ने बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया। वैसे इस वक्त विपक्षी दलों के पास देश में मुद्दों की कमी नहीं है, भरमार है। ये अलग बात है कि जनता से जुड़े मुद्दों को दबाने का प्रयास लगातार जारी है। चाहे पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों लोग दिल्ली में क्यों न जुट जाएं, गोदी मीडिया को वो आवाज सुनाई नहीं देती। गोदी मीडिया का काना खराब हो जाता है, आंख फूट जाती है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे न करे मगर गोदी मीडिया के जरिए लाखों करोड़ों भारतीयों की जिस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया यह निश्चित ही ऐतिहासिक था। आइए अब एक और ऐतिहासिक कार्य की बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के ऊपर आरोप लगने से पहले ही वो सफाई देने में लग जाए और खुद तो सफाई दे ही साथ पूरा का पूरा गोदी मीडिया
भी लगा दे उसकी सफाई दिखाने में। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आरोप लगने से पहले कैसे सफाई दी जा सकती है, लेकिन आप गलत हैं। विश्व गुरु भारत में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो नारा याद है ना, वो है तो मुमकिन है, तो सब कुछ मुमकिन है। पिछले सालों में कोयले को लेकर पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी पर ढेर सारे आरोप लगे और सरकार ने जिस तरीके से कथित रूप से गौतम अडानी को ग्रुप को कोयले के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली जो कंपनी है कोल इंडिया वो भारत की है तथा दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोल खदानें भारत में हैं। इसके बावजूद विदेशों से कोयला मंगवाने के लिए भारत की बिजली कंपनियों को मजबूर किया गया। ऐसे आरोप लगे कि बिजली बनाने वाली कंपनियों से कहा गया कि आप जितना कोयला खरीदते हैं उनमें से 10% कोयला विदेशी आना चाहिए, मानी विदेश से आना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विदेशी कोयला भारत के कोयले से 10 गुना कीमत का था, यानी भारत में कोयला यदि 1 रुपया किलो है तो भारत सरकार बिजली कंपनियों से जबरिया वही कोयला 10 रुपया किलो में खरीदवाती है, विदेश से मंगवाती है और उसके लिए बाध्य करती है। इसके बाद जब इस मामले में बवाल खड़ा हुआ तो सरकार ने दूसरा जुगाड़ निकाला, मगर फाइनल टारगेट वही था कि कैसे 10 गुना दाम वाला विदेशी कोयला भारत में मंगवाया जाए। और वो कोयला कौन लाएगा ये तो आप जानते ही है, वही लाएगा जिसे फायदा पहुंचाना था कथित रूप से। अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है, विदेश से जो कोयला आ रहा था उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर गौतम अडानी की कंपनियां भारत को दे रही थी और ये बात खुद उन्हीं की कंपनी की तरफ से कही गई है कि ये हमारे ऊपर झूठा लांछन लगाने की कोशिश है, लगाए जाने वाला है, ये आरोप पहले भी लग चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स इसको लेकर कोई नई रिपोर्ट जारी करने वाला है, लेकिन ये मामला पुराना है। अब सवाल ये है कि जो रिपोर्ट अब तक आई ही नहीं उस पर पहले से सफाई क्यों दी जा रही है, क्या ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। वैसे यहां एक बात और याद दिला दें, हाल ही में ऐसी ही एक कहानी गुजरात से सामने आई थी जहां पर अधिकारी बिना रसीद वगैरह चेक किए गौतम अडानी की कंपनियों को धकाधक करोड़ों रुपया, गुजरात के लोगों का करोड़ों रुपया यूं ही देते रहे, यानी जितना पैसा गौतम अडानी की कंपनियां मांगती रही गुजरात की सरकार के अधिकारी पैसा उठाकर देते रहे। बाद में जब उन्हें लगा कि वो भी फंस सकते हैं तब उन्होंने पत्र लिखकर आग्रह किया कि भैया हमने तुमको ज्यादा पैसा दे दिया है, वापस कर दो। बाकी हाल ही में अमीरों की सूची सामने आई जिसमें आपने देखा कि एक वक्त में दुनिया के 2 नंबरी अमीर रहे गौतम अडानी अब भारत के 2 नंबरी हो गए हैं, मेरा मतलब 2 नंबर के अमीर हो गए हैं। इसके साथ ही मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं, मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनके चैनलों पर यानी खासकर न्यूज 18 पर नफरती बयानबाजी और नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा कम हो जाएगा। लिख कर रख लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, गौतम अडानी पर लगातार जिस तरह के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, इन सब ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि शायद सेठ के भीतर डर बहुत अंदर तक समा गया है और अब इस बात की चर्चा खुलकर होने लगी है कि सेठ इतना डर गया है कि आरोप लगने से पहले ही सफाई देने में लग जाते हैं और खुद तो सफाई दे ही रहे हैं, पूरा का पूरा मीडिया भी उस सफाई को छापने में लग जाता है जबकि आरोप यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट अभी सामने आई ही नहीं। बहरहाल विश्व गुरु भारत में कुछ भी मुमकिन है। अब जरा सी वोटर के इन ताजा सर्वे आंकड़ों को भी देख लीजिए। सी वोटर के अनुसार राजस्थान में बीजेपी सरकार बना सकती है और कांग्रेस को भारी नुकसान दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखने वाली है और वो ये कि राजस्थान के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सी वोटर ने राजस्थान के बारे में जो सर्वे दिखाया है जमीन पर वैसे हालात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जमीन पर कहानी कुछ और ही है। हालांकि कहानी क्या है ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगी। बाकी इसी सी वोटर ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी भी बेहद मजबूत टक्कर देने की स्थिति में है, यानी राजस्थान में भाजपा 127 से 137 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 59 से 69, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 113 से 125 और भाजपा 104 से 116 सीटें जीत सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया गया है 45 से 51 सीटें जीत सकती है और भाजपा 39 से 45 सीटें। तेलंगाना में भी कांग्रेस को आगे दिखाया गया है 48 से 60 सीटें जीत सकती है, बीआरएस 43 से 55 तथा बीजेपी तीसरे नंबर पर आ सकती है वो भी मात्र 5 से 11 सीटों के साथ। उधर मिजोरम में कांग्रेस को 10 से 14 सीट, एमएनएफ को 13 से 17 सीट और जेडपीएम को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी सी वोटर ने दिया है। यहां एक बात और बता दें, राजस्थान में जो चुनाव 23 नवंबर को होने वाला था अब उसे 25 नवंबर के लिए टाल दिया गया है, यानी कि राजस्थान में अब चुनाव 25 नवंबर को होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।